कपड़ा हमारी गड्डी की में कुछ गरीब सामान तो नहीं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने कहा कि मैं ब्लॉग यहाँ से शुरू करती हूँ क्योंकि हमने इस्लामाबाद जाना है, अल्लाह खैर करे सरीना होटल ही सीधा जाएंगे क्योंकि वहाँ पे आज बारात का फंक्शन है, लेकिन आज हम टाइम से तैयार हो गए, ठीक है। और ये जो ड्रेस है ये मैंने ब्रीसे से लिया था, मुझे बहुत ज्यादा ये पसंद आया था। और साथ में मैं आपको शूज दिखा देती हूँ, शूज इसमें मैंने फर्स्ट टाइम ही ओपन पहने हैं, ये मैंने इन सीढ़ियाँ से लिए थे, मुझे बहुत ज्यादा ये पसंद आए थे। और साथ में सर लाइट सी ज्वेलरी के साथ जो मेरा जिसमें लिंक किया उसमें मैंने कैरी कर लिया, और स्टोन्स वगैरह इस तरह नेक पे लगा लिए। मेकअप जिस सैलून से मैंने करवाया है उसे मैंने इंस्टाग्राम पे टैग किया हुआ है, उन्होंने मेरा मेकअप किया है, और सारे बस तैयार हैं। अब निकलते हैं हम इस्लामाबाद की तरफ। चलो मलाइका, मैं आपका ना ड्रेस दिखा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और मलाइका भी माशाल्लाह बहुत 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 प्यारी लग रही है, खुद तैयार हुई है। हाँ जी, मलाइका खुद से तैयार हुई है। और मलाइका ने इस तरह ब्रेड बनवा ली थी, फ्रेंच टाइप डच ब्रेड, सॉरी डच ब्रेड। और ये जो मलाइका का ड्रेस है ये हमने लिया था एथनिक से, और ये दुपट्टा मामा का है, एक सूट का, एक सूट का। और शूज अभी चेंज करने हैं, मलाइका चेंज करने, मैंने शूज वो वाले पहनने पड़े मेरे लिए, मतलब लाइक ने पहने हुए ये हैं लेकिन अभी पहने वो हैं। और ये साथ हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं क्योंकि आपको पता है गाड़ी में मैं तो फिर वही पहनूंगी, अभी शोशा के लिए ये पहननी है, लेकिन पहनेंगे असल में वो। ये मेरे हर सूट के साथ चलते हैं, मैंने अभी ये जूता ले लिया, मैं हर सूट के साथ मैंने चले अभिषेक के फाइनल लुक। चले रुशा आज हमजा के बालों में ब्रश कर दी मम्मा, बाकी हमजा का जो ड्रेस जो है वो मैंने ही सारा किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा इसके जैकेट के साथ इस तरह ब्लैक। और रुशा जो है वो भी खुद तैयार हुई है, बस मुझे मस्कारा और आईलैशेस रुशा ने लगाई है, रुशा ने खुद भी अपने आप को लगाई, और रुशा का ड्रेस बहुत अच्छा है कि हमें पेज ने सेंड किया था, और शूज हमारे बहुत अच्छी लग रही है रुशा, जबरदस्त। अब हम जा रहे हैं सेराबंदी के लिए उनके घर, और फिर हम निकलेंगे। हमजा कह रहे हैं कि आप भी आज आप दूसरी जगह पे बैठी हैं। बिल्कुल अपरशी की जगह पे बैठी हैं। डिसाइड ये हुआ था कि सब जो है वो पहले लड़के वालों के घर इकट्ठे होंगे, वहाँ पे सेराबंदी की रस्म होगी, और फिर सारे जो है ना इकट्ठी गाड़ी लेके बारात के लिए निकल जाएंगे जैसे कि होता है। और इतने में सब साथ साथ गेस्ट आ रहे थे, साथ साथ हम पिक्स बनवा रहे थे, और माशाल्लाह हमारा जो दूल्हा है ना वो इतना क्यूट, इतना प्यारा माशाल्लाह लग रहा था, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। और इतने में इनके सब जो ननियाल वाले हैं वो भी आना शुरू हो गए, साथ साथ हम पिक्स बना रहे थे। और बहुत मुश्किल होता है जब आपने खुद तैयार होना हो, आपने सफ़र करना हो, साथ में आपने ब्लॉग शूट करना हो, तो ये सारा काम जो है ना ये बहुत मुश्किल होता है। गाड़ी इन्होंने अपनी ही सजाई थी, और सब ने कहा कि चलें आप जल्दी करते हैं रस्म के बाद कि हम फौरन जो है ना इस्लामाबाद के लिए निकलते हैं। तो बस गाड़ी में बैठते ही शुरू हो गई है, ठीक है जी, अल्लाह खैर करे। अब हम निकल गए हैं इस्लामाबाद के लिए, बस थोड़ी सी रस्म जो सेराबंदी थी उसकी रस्म की है, बाल मैंने सारे इस तरह अपने आउटर जो है वो आगे की तरफ कर लिए हैं कि जब उधर पहुँचेंगे ना तो फिर मैं पीछे कर लूँगी ताकि मैं टेक लगा लूँ, क्योंकि इतना सफ़र तो मैं आगे बैठ के नहीं कर सकती। बर्गर लेना? जी जी, मुझे पता आपने क्या क्या लेना। तो प्यारा मौसम हुआ। हाँ मौसम बहुत प्यारा है, मिरर ऊपर कर लो। दो आ रही है ना? हाँ जी, और साथ में ग्लास भी दे दीजिएगा। ये हो गया हमारा सामान। और अब हम पहुंच गए इस्लामाबाद, टाइम हो गया तकरीबन 7:45, ठीक है। और शुक्र है आज हम खैरियत से पहुंच गए हैं, मैंने गाड़ी की लाइट्स ऑन की हैं, रुशा मलाइका जो है वो अपना मेकअप फ्रेश कर रही हैं, हमजा लेटा हुआ है। वैसे बॉयज़ की ना ये मौज होती है ना हमजा, बॉयज़ की मौज होती है कि उनको ना कुछ भी करना पड़ता, बस पैंट शर्ट पहनी, बाल संवारे, और बस अभी हम जा रहे हैं सीधा होटल की तरफ ही, लोकेशन हमने ऑन कर ली है। वैसे ये इस तरह का, और इस होटल का तो पता है सबको ही पता है, कोई ऐसा खास नहीं है। श्रीनगर हाईवे पे हम जा रहे हैं और सीधा जाएंगे सरीना, जो दूल्हे की गाड़ी है वो आगे आ गई है। जी हमारा बेहतरीन होटल वो है सर, बेहतरीन होटल आ गया जी, हम सब कह रहे हैं। खाती हूँ बेटा, फ्रंट पे आना है। अच्छा चेकिंग हो रही है ना, गाड़ी खाली है, गाड़ी खोल के अच्छा बंदूक अंदर। हाँ हाँ, हमारी गड्डी में कोई गरीब सामान तो नहीं है? तुम लोगों के कपड़े ही है और बस कंबल कुंबल है, वो आते हुए निकाल के आगे कर लेंगे। हम लिफ्ट इसलिए नहीं गए क्योंकि रुशा की तबीयत खराब हो जाती है जी।
क्या मैनेजमेंट थी, क्या लोकेशन थी, यकीन करें हम देख के माशाल्लाह से हैरान रहे कि इतना खूबसूरत होटल मैंने आज तक नहीं देखा। और कौन नहीं जानता कि सरीना जो होटल जो है वो पाकिस्तान का नंबर वन होटल है। अच्छा, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त थी, वो इसलिए सख्त थी कि रात को यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम आई है और उन्होंने यहीं पर स्टे किया हुआ है। इन्होंने जाते कह दिया कि जी आप मास्क लगा लें, मास्क जो है वो कंपलसरी। और मैं कह रही थी यार अगर मास्क ही लाने सन तो इन्नी ऐसी तैयारी क्यों की, इन्ना ऐसी मेकअप करके मास्क ला लेंगे। जगह जगह पर उन्होंने चेकिंग की और साथ में अपनी फ्रेंड को लोकेशन सेंड करी थी क्योंकि उनको होटल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था। खैर मैंने उनको लोकेशन सेंड कर दी, लेकिन मैनेजमेंट, सफाई और माशाल्लाह एक अलग ही खुशबू थी यहाँ पे, हर जगह की अलग फ्रेगरेंस थी। ये फ्लेयर थी बड़ी रिस्की की अपनी। फाइनली हम लोग अपने हॉल में पहुंच के, सारी पहले बारात इकट्ठी हुई, उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। और जो होटल था ना, क्या इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, लिटरली मैं तो फ़ैन हो गई। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने हॉल जो है वो बुक करवाया हुआ था, लेकिन सब सफ़र से थके हुए थे, लेकिन वहाँ के मैनेजमेंट देख के ना हर किसी, वो कहते हैं ना सफ़र की थकावट ही वो भूल गया, सब माशाल्लाह से बहुत खुश थे। ढेर सारी हमने पिक्स बनवाई। और यहाँ पर ये एक थोड़ा सा ब्लंडर हो गया कि हमारे जो मोबाइल्स हैं ना उनकी बैटरी जो है वो डेड हो गई थी और काफ़ी मोबाइल से फिर हमने ब्लॉग शूट किया और सब ने कहा कि हमने भी आज आपके ब्लॉग में दोबारा से आना है। साड़ियाँ जिन्होंने पहनी हुई थी उनको बहुत अच्छी लग रही थी, स्पेशली बिस्मा की साड़ी, बाजी की साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, सब माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बाकी एक से बढ़कर जो एक है ना उसने दिल से तैयारी की हुई थी। हम अब ये देखते हैं कि सिंगल पर कहाँ खड़े होकर तस्वीर लेनी है। मैंने मैं जिसके आप उसी ले लूंगी, कोई ऐसा मसला नहीं। परसों अच्छा लग रहा है, बिस्मा अपनी स्ट्रीक बना रही है। और साथ में हमारे दूल्हा साहब आ गए और ये छोटा सा जो बच्चा है जिसने शेरवानी पहनी हुई है ये इनके बाबू का बेटा है। माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। उन्होंने जाते ही सबसे पहले सूप सर्व किया, वेजिटेबल सूप था, बहुत ही लाइट, बहुत ही मज़े का। अच्छा, साथ साथ वो स्टार्टर जो है वो सर्विंग कर रहे थे, साथ में फ़िश थी। और साथ इन्होंने कहा कि हम दुल्हन की एंट्री कर लें क्योंकि एज़ यूजुअल हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। जहाँ पर हमने 6 बजे का टाइम दिया हुआ था लेकिन फिर भी 8 बजे हम पहुँच गए थे। और माशाल्लाह से हमारी बहू रानी बहुत ही प्यारी लग रही है। अच्छा, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, ये सारी फैमिली जो है ये इंग्लैंड में सेटल्ड है, ये वहीं पर बाय बर्थ भी इंग्लैंड के ही हैं लेकिन शादी के लिए ये पाकिस्तान आए हैं। और माशाल्लाह से बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छी फैमिली है, चाहे वो आप लड़के वालों की बात कर लें चाहे वो लड़की वालों की बात कर लें, दोनों फैमिलीज जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हैं। और जो ब्राइडल हैं वो माशाल्लाह बहुत ही ब्राइट प्यारी लग रही थी। अच्छा, इसकी एक और बता दूँ, इनका जो ड्रेस है ये फरा तालिब का, बहुत ही हमें पसंद आया था। ये इनके भाई हैं, साथ में फादर हैं, सारी इनकी फैमिली साथ साथ जैसे आए हैं तो साथ साथ पिक्स उन्होंने बनवाई सबने, क्योंकि माशाल्लाह से सब बहुत ज़्यादा खुश थे। ये अपनी पहली बेटी की इन्होंने शादी आके पाकिस्तान में की है और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। और साथ ही उन्होंने खाना जो है वो सर्व करना शुरू कर दिया, गोला कबाब इतने मज़े के और लाइट थे, बिल्कुल माइनर से आप कहें ना वो सेटल्ड स्पाइसेस थे, इनके मसाले इतने सेटल्ड थे, बिरयानी का टेस्ट एग्जैक्ट वैसा था जैसा हम घर में बनाते हैं। और जो मटन कोरमा था बहुत ही मज़े का था, हर चीज़ जो थी वो इतनी लाइट थी कि आप जितना भी खा लें आपको पता नहीं चल रहा कि आप शादी पे खाना खा रहे हो। और खाना तो हम सब ने ना मुकाबले पे खाया, हम जितने भी टेबल पे माशाल्लाह हम बैठे हुए थे लड़के वाले, हमने कहा जब हमने रज के खाना खाना है, हमें लग रहा है कि हम पहली और आखिरी शादी है जो सरीना पे खाने के लिए आए हैं। और मीठा भी बहुत ही मज़े का था। साथ ही जब खाना हो गया तो उन्होंने दूध पिलाई की रस्म शुरू की। और साली जो है इन्होंने ज़ाहिर रस्म ये करनी होती है, और माशाल्लाह से इनकी जो सिस्टर है वो भी बहुत प्यारी है। अच्छा, 3 लाख ही देना, अपनी मंदिर करके जा रहा है। इतना खा पी के, वैसे एंड पे ग्रीन टी पीते हमें शर्म तो आ रही थी लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम हर चीज़ खा पी के यहाँ से जाएंगे। और फिर जब केक कट किया गया, नूर एंड अहमद अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, ठहरो ये खुशियाँ देखे, अल्लाह ताला इनको किसी की भी नज़र ना लगे। और केक इतना खूबसूरत और इतना मज़े का था, दोनों ने एक दूसरे को डायमंड रिंग पहनाई। अच्छा, यहाँ पर आपको वीडियो की क्वालिटी इसलिए ख़राब लग रही होगी कि क्योंकि हमारा जो ये चैनल वाला मेरा मोबाइल था इसकी बिल्कुल बैटरी जो है ना वो डेड हो गई थी, और क्योंकि सफ़र और टाइम इतना ज़्यादा लग गया था इसी वजह से फिर हमने किसी मोबाइल लेके, सब ने फिर बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया, सारी फैमिली ने, उन्होंने कहा आप हमारा मोबाइल ले लें। फिर वहाँ से जैपिया करते आपको पता थोड़ी सी जो पिक्चर क्वालिटी है ना वो ख़राब हो जाती है। फिर दोनों ने केक कट किया, केक इतना मज़े का था, मैं जितने भी फिर क्लिप शूट कर पाई
हमने पिक्स बनवाई, रुखसी के टाइम पता इमोशनल हो जाते हैं, चाहे आप वेस्टर्न हो, लेकिन फिर भी नूर हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो हमने इन्हें समझाया कि नहीं, आप अपनी फैमिली में जा रही हैं, आप बड़ा इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह, आप हमारी कंपनी में बड़ी खुश रहेंगे, और फिर सब जो है वो वापसी के लिए निकल आए। जी मैंने 6 मोबाइल से व्लॉग बनवाया, कभी बिस्मा का मोबाइल लो, कभी किसी पापा का मोबाइल लो, कभी अपना लो, कभी मामा का लो। मामा के मोबाइल की स्टोरेज खत्म, मेरे मोबाइल की चार्जिंग खत्म। अब जी अगला ट्विस्ट हमारी जिंदगी में ये आ गया कि माशाल्लाह हमारे दूसरी गाड़ी पंचर हो गई। नजर आ रहा गाड़ी टायर के टायर ही पंचर हो गए, हमारी नहीं हुई लेकिन हमारे रिलेटिव्स की हो गई है। हम और कुछ जिंदगी में ट्विस्ट रह गए, पता नहीं अब क्या क्या ट्विस्ट रहा है। ओ बिस्मिल्लाह, क्या बने अब, क्या बने? वो गाड़ी नहीं है ये, वो ये आप जी कसर रह गई थी, के साथ ही बारिश शुरू हो गई है। अब जाई बार का वापस चले चलते और अब हम थोड़ी देर के लिए स्टे के लिए रुके हैं, 2:15 हो गए। मम्मी पापा जो है वो तो शॉप पे गए हैं, मामा भी अपनी फ्रेंड की गाड़ी में बैठी हुई हैं, साथ ही उनकी गाड़ी बिल्कुल शेयर, और मम्मी तो आवाज ही बंद है, बस ग्लासेस नहीं है ना मिल लेने दो। और इधर मुझे पकड़ा दे पीछे। और उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और टाइम हो गए हैं जी तकरीबन 4:30 सुबह के, लेकिन ये है कि खैरियत से हम पहुंच गए हैं, सफर हमारा बहुत अच्छा रहा, और अभी ये सारे खिलारे शिलारे मैं ऐसे ही छोड़ के सोऊंगी, सुबह उठेंगे तो देखा जाएगा, क्योंकि बस बहुत थकावट भरा दिन था। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमें भी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। हम बस मैं मेकअप रिमूव करूंगी और मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।